गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल घुमा खाड़ा जो मैं अर्जुन आपका दोस्त मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज सुबह सुबह की बहुत ही गजब की ये ठंडी है, और उसी ठंडी में मैं निकला हूँ एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में मैं आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद बताऊँगा। अभी फिलहाल मैं कहाँ पर हूँ ये भी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो ट्रैक है ये सोलो ट्रैक होने वाला है आज। ना मेरे साथ मेरे कोई दोस्त है और ना ही मेरा फैमिली सोनल और अभिमन्यु है। तो बस दोस्तों ये सोलो ट्रैक नई जगह है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं कहाँ पर हूँ ये सब आपको मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आप वहाँ पर जाने का जो रूट है वो टाइम लैप्स में उस रूट को देखिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद मिलते हैं, तब तक बाय बाय। મંદિરે જવા માટે કઈ જગ્યા રસ્તો છે? પેલા મંદિરે જવા માટે ત્યાંથી રસ્તો છે ને આગળ? તમારો વિડીયો ઉતારું એટલા માટે રસ્તો બતાવ્યો ને તમે, તો ત્યાંથી વચ્ચે જવાનું
डेरी आगे बराबर कोई दुकान कोई कोई दुकान है दुकान आप लोग डेरी डेरी पर दुकान है दुकान से पूछो बराबर थैंक यू वेलकम बैक दोस्तों। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका और अभी टाइम हुआ है कुछ साढ़े नौ बज चुके हैं और अभी मैं पहुंचा हूं जामबुड़ी बेस विलेज पर। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, मैं घर से निकला हूं 6:30 बजे और यहां पर पहुंचा हूं। आज मैं हूं गुजरात में, गुजरात में मेरे ही शहर मेहसाणा से कुछ 90 किलोमीटर दूर ये जगह है साकलेश्वरी माता का जो मंदिर है पहाड़ पर। लेकिन आपने मेहसाणा से लेकर यहाँ तक जितने भी टाइम लैप्स के जो शॉर्ट देखे हैं उसके बाद अभी मैं पहुंचा हूं जो यहां का बेस विलेज है जामबुड़ी। अब यहां से मैंने गाड़ी पार्क करके रखी है, यहां से हम लोग ट्रैक करेंगे। अब देखते हैं शायद ये ट्रैक मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में पूरा होने के लिए। हाईलाइट भी फिलहाल मेरे पास एक ही पानी की बोतल और उसके बाद अभी ये जो हमारे जो फ्रेंड खड़े हैं यहाँ पर जो प्रॉपर यहीं के गाँव के ही हैं, उन्होंने बताया कि ऊपर पानी का भी सोर्स है, आपको पानी वहाँ पर आराम से मिल सकता है। तो बस यहाँ से अब ट्रैक की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि आज मेरा सोलो ट्रैक है, कोई मेरे साथ मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ना कोई फ्रेंड है मेरा, ना फैमिली है। तो बस यहाँ से ट्रैक की शुरुआत करेंगे। अभी इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से आप चल के जा सकते हैं, तो ये जो रास्ता है यहाँ से मैं जाऊँगा चल के। देखते हैं, नया रास्ता है, एक नया पूरा एरिया है, तो देखते हैं आज यहाँ पर क्या क्या फील होता है। हर एक शॉट मैं आपको दिखाऊँगा, देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। बड़ा कंफ्यूजन वाला ये ट्रैक था। अभी हमारे जो भाई, उन्होंने बताया कि यहाँ से रास्ता है जाने के लिए, तो ये जो हमारे साथ में है वही बताएंगे कब कहाँ से जाना है। अच्छा बढ़ते हैं इंग्लिश पाचों ऊपर जाएं। बढ़ते भाई बराबर। और सारू खेतों में तो सारू है, यहाँ का खेती बाड़ी भी सारी है ना। सुबह सुबह जब घर से निकला था तो बहुत ही ठंड थी, तब ये जैकेट या मफलर सब लगा लिया। अब जैसे जैसे हम लोग खेत में चल रहे हैं वैसे वैसे अब गर्मी बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी हाईलाइट आज की ये कि मैं अकेला सोलो ट्रैक करने के लिए आया हूँ, ना अभी तक मैंने किसी दोस्त को बताया हुआ है। लेकिन आज दो छोटे बच्चे गाइड बनकर मेरे साथ चल रहे, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ऊपर तक आएंगे, तो बस अब वही मेरे गाइड है, उनको लेके चलता हूँ। आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि दो छोटे बच्चे मेरे गाइड बने हुए हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या कैसा कैसा सीन है यहाँ पर। वेफर में बिस्किट में हूँ
सूजी रखो है वेफर नहीं बिस्किट बिस्किट आलो चलसे बीजू खाओ आप ऊपर जो बनती हो अगर बिस्किट तो चार पांच पड़ी कॉल दे ना जे हो बताओ जरा सी चार अभी तो कोई कोथड़ी ऐसे खाली जबला मान दो जबला मान दो चार रीदी आल दो टूटी जाए तो अदो नहीं खावा नुच्छे हो गए आज एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई है कि आज मेरे पास एक भी छुट्टा पैसा नहीं है। अभी जिस दुकान पर आपने जो शॉर्ट देखा हुआ है वहाँ पर मैं बिस्किट लेने गया था, जब 40 रुपया हुआ और पर्स में देखा तो पर्स में 1 रुपया भी छुट्टा नहीं है। फिर देखो कितने भले थे वो लोग, 40 रुपये लिए नहीं है, बोले कि वापस में अगर छुट्टा आएगा तो आप दे देना, और वैसे ही हमें ये बिस्किट वेफर दे दिया है। अब उसी को लेकर चल रहे हैं, अब छुट्टा कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा ये कोई बात का हमें अंदाज़ा नहीं है। अब क्या होगा देखते हैं छुट्टा मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन हमारे साथ दो छोटे गाइड हैं, उनको बिस्किट और ये सब देना ज़रूरी था। एक ही पानी की बोतल है, ऊपर पानी मिलेगा शायद ऐसा उन्होंने कहा है, तो देखते हैं। मैं कहीं पर भी ट्रैक करता हूँ महाराष्ट्र में, हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा कुत्ता आ ही जाता है, तो ये एक अच्छा साइन है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। आज भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा साइन है, हमारे साथ ही कुत्ता चल रहा है, देखिए। गाड़ी पार्क करने के बाद कुछ 20 से 25 मिनट का जो रास्ता है वहाँ हम लोग पैदल चल के आए हैं, जो शॉट आपने देखे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आपके पास 2-व्हीलर या 4-व्हीलर है तो यहाँ तक गाड़ी आ सकती है, लेकिन मैंने गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर दी है, हम लोग वहाँ से पैदल चल के आए हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर एक खटिया भी पड़ी हुई है, तो इसी खटिया में हम लोग ने थोड़ा सा नाश्ता किया हुआ है। अब यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, ये मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है, ना इसकी कोई हिस्ट्री मुझे पता है, तो वो बाद में जब भी हम लोग वॉइस ओवर करेंगे तभी इसके बारे में कुछ भी जानकारी रहेगी तो मैं आपको वो बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो जगह है हाथीदरा, मैं मैसाना से जब भी निकला था तो मैंने देखा था कुछ 92 किलोमीटर ये वहाँ का डिस्टेंस बता रहा था। पालनपुर के बाद इसका जो बेस विलेज है हाथीदरा, हाथीदरा आपको आना है, आप कहीं से भी आ रहे हो आपको पालनपुर आना ही है, पालनपुर से आपको हाथीदरा आना है, और हाथीदरा से जामबुड़ी करके एक छोटा सा और अंदर एक बाजू में एक छोटा सा विलेज है, उसी विलेज के बाजू में ये एक छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर ये माता रानी का मंदिर है। अब ये सांकड़ेश्वरी मंदिर जो है माता रानी का, वो नाम क्यों है, ये नाम क्यों रखा गया, ये सब हमें कुछ भी पता नहीं है। तो बस अब यहाँ से पानी पी के ऊपर चढ़ेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। दो छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, उनको लेके अब ऊपर चढ़ना है, और फिर बाद में जो भी हिस्ट्री में पता लगेगी वो मैं वॉइस ओवर करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब सही में चढ़ाई चालू हुई है, लेकिन फिर भी मौसम ठंडा है, इसके लिए अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा है। पानी की एक बोतल और 3 मेंबर, दो छोटे बच्चे और मैं, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है, कितनी तकलीफ पड़ती है।
लेकिन मजा आने वाला है। दो छोटे बच्चे मेरे साथ में, मेरे गाइड बन के चल रहे हैं। एरो बने हुए हैं, मतलब एरो को फॉलो करिए और सही ट्रैक पर चलते रहिए। हाँ, अब थोड़ी सी सांस फूल रही है। कहीं भी जाओ, ये हमारे साथ में चलते रहते हैं। मुंबई के आजू बाजू में जितने भी ट्रैक मैंने किए हैं, सब जगह पर ऐसे ही हमारी रक्षा के लिए दूत आ ही जाते हैं। आज भी मेरे साथ में दो दूत ये है और दो हमारे दूत ये है, जो गाइड बन के मेरे साथ में आए हुए हैं। आठ, ये थोड़ा सा पैच अब लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पैच चालू हो रहा है धीरे धीरे। दोनों छोटे बच्चे ऊपर भाग चुके हैं, उसमें एक बेटा जो है जो उसके खुले पैर है, उसने चप्पल भी नहीं पहने होंगे, फिर भी देखो कितना फास्ट हो जा रहा है। यही तो लोकेलिटी का वैल्यू है। यहाँ के प्रॉपर बच्चे हैं, उनको पैरों में जूते पहनने नहीं पहनने, पहाड़ चढ़ने, खेतों में चलना है, कहीं भी छोड़ दो उनको, वो फटाफट चले जाते हैं। हम देखो आराम से चढ़ रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये सहमे उतना ऊपर है नहीं, ये पहाड़, ये माता रानी का जो मंदिर है जिस पीक पर, ये पीक उतना नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो रास्ता बना हुआ है एकदम ज़िगज़ैग बना हुआ है, कभी लेफ्ट जाओ कभी राइट जाओ, पूरा एकदम यू टर्न मारो इस तरह से, और वेल मार्क्ड हर जगह पर एरो बने हुए हैं, आप कहीं पर भी भटक नहीं सकते, ऐसा एकदम ईजी और मार्क्ड रास्ता बना हुआ है। तो आराम से आइए, और बारिश के मौसम में शायद ये बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाती होगी। अभी फ़िलहाल तो सर्दी का मौसम है, फिर भी अच्छा लग रहा है। सही में थक चुका हूँ। एक्चुअली लास्ट मेरा जो व्लॉग था 2 अक्टूबर का माथेरान का, जब भी मानसून का टाइम था और साथ में 6 फ्रेंड्स भी थे, तो उधर समझ में नहीं आया। लेकिन अब आज ठंडी का मौसम चल रहा है, विंटर चल रहा है, उसमें भी गुजरात में, और अभी टाइम हुआ है 11 बज चुके हैं, ऊपर बहुत ही कड़कती हुई धूप है ऊपर, और इसी धूप में अब डिहाइड्रेशन भी चालू हो चुका है, पसीना हो रहा है, ऊपर से सोलो ट्रैक, साथ में 2 बच्चे हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है ये। हाँ, पणियारी आश्रम जो हम लोग ने जो ट्रैक किया था 3 साल पहले, उसे इजी है, वो तो बहुत ही टफ ट्रैक था, लेकिन ये फिर भी अगर जिन्होंने कभी ट्रैक नहीं किया है अगर वो करेंगे तो उनको थोड़ा सा हार्ड तो पड़ना ही है, क्योंकि अभी भी शायद
एक घंटा बाकी है और नीचे से ऊपर आने में एक घंटा हो चुका है, अब यहाँ से और ऊपर जाने में एक घंटा होने वाला है। पिक बहुत ऊपर है, ड्रोन अभी हमारे पास है नहीं, नहीं तो ड्रोन शॉट के थ्रू आपको दिखाता था कि ये प्लेस कितना अजीब और खूबसूरत है। हर ट्रैकिंग में हर जगह पर हम लोग जाते हैं, ऐसी जगह पर लोहे की सीढ़ियाँ हर पहाड़ पे ऐसे ही मिलती है, यहाँ चढ़ना इतना भारी पड़ता है। ये लोहे की सीढ़ियाँ उठाकर लाता कौन है? हेट्स ऑफ जो ये सीढ़ियाँ उठाकर ऊपर लेके आते हैं। आज का मेरा ये जो शॉट है, ये हमारे जो दो बच्चे हमारे साथ में जो आए गाइड बनकर, वो कैमरा हैंडल कर रहा है। आज मेरे साथ अभिमन्यु भी नहीं है, सोनल भी नहीं है, अगर वो रहते हैं तो मेरा वीडियो वही शूट करते हैं, लेकिन आज ये दो छोटे बच्चे हैं वही मेरे जो शूट है, जो अलग से जो शॉट है वही शूट कर रहे हैं। थैंक यू। गाड़ी पार्क करने के बाद जहाँ से मैंने ये ट्रैक की शुरुआत की थी वहाँ से लेकर अब तक 1.5 घंटा हो चुका है। वहाँ से मैं पैदल आया हूँ, साथ में दो बच्चे आए हुए हैं। 1.5 घंटे का ट्रैक करने के बाद ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये एक गणपति का मंदिर है, एक रेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, खाना वाना यहाँ पर खा सकते हैं, नाश्ता साथ में लाए तो भी यहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पानी भी मिल जाएगा, पानी है ना इधर, यहाँ पर पानी भी आपको मिल सकता है। अब यहाँ से शायद और 1/2 घंटा लगेगा हमें ऊपर पहुँचने में, मुझे तो पता नहीं लेकिन ये जो बच्चे वही बता रहे हैं कि यहाँ से शायद 1/2 घंटा और लगेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, 11:30 हो चुके हैं, अभी ऊपर भी जाना है, वापस नीचे भी आना है, उसके बाद हाथीदरा का जो एक स्पॉट है वो भी मुझे कवर करना है, तो फटाफट ऊपर जाते हैं, ऊपर का फुटेज और भी मुझे कवर करना है, उसके बाद नीचे आते हैं, फिर जाते हैं दोस्तों, मिलते हैं, चलिए ऊपर जाते हैं।
बताना चाहता हूँ, अभी जिस सीढ़ी पर मैं बैठा हुआ हूँ, सही में बहुत ही लंबी सीढ़ी है ये मेरे ख्याल से कम 50 फीट से ज़्यादा लंबी सीढ़ी है ये। मैंने महाराष्ट्र में जितने भी ट्रैक किए हैं वो सभी ट्रैकों में पहाड़ पर मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीढ़ी मिली है, लेकिन इतनी लंबी सीढ़ी मैंने आज पहली बार देखी है। और इस पहाड़ का जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर अब तक कम से कम 6 से 7 सीढ़ियाँ मुझे मिली है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस पहाड़ पर इतना लोहा, इतनी रॉड्स, इतने एंगल ये सब लाना, यहाँ पर फीट करना कितना भारी काम है। उन सबको मेरा सलाम है जो इस पहाड़ पर ये सब काम करते हैं और हम जैसे ट्रैकर्स को, आम पब्लिक को इजीली टॉप पर पहुँचाते हैं। सही में उनकी तारीफ़ दाद, मतलब मैं उनको उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि ये आपने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। सही में वेरी गुड। यही जो जंजीर है, इसी जंजीर के कारण इस जगह का नाम पड़ा हुआ है साकड़ेश्वरी माता। गुजरात में जंजीर को बोलते हैं साकड़। एक्चुअली पहले पुराना पैच यही है, बाद में यहाँ से घूम के इजीली बना हुआ है रास्ता। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये नाम क्यों पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इस पैच से आया हूँ। ये पुराना पैच है जो जंजीर पकड़ के ऊपर आना है। वेरी गुड, वेरी नाइस। आखिरी का जो पैच है ऊपर जाने के लिए, टॉप पर जाने के लिए, वहाँ पर ज़्यादातर ये जंजीरें हैं, ये बंधी हुई है, जिसको गुजरात में बोलते हैं साकड़, लोहे की जंजीर, लोखंडनी साकड़। तो इसी को पकड़ के ऊपर चढ़ना है। बहुत सारे पुराने पैच हैं, जैसे देखिए ये जो पुराना पैच है वो टूट चुका है। अब ये पैच है तो ये एक बहुत बड़ी, ये लोहे की बहुत बड़ी सीढ़ी है, इस पर से चढ़ते हैं। सही में सलाम है उन लोगों को, फिर से एक बार मैं बोलना चाहता हूँ सलाम है उन लोगों को जिन्होंने ये लोहे की सीढ़ियाँ इस पहाड़ के ऊपर फिट की हुई है। माइंड ब्लोइंग जगह है और माइंड ब्लोइंग ये लोहे का जो ये वर्क है पूरा, सही में बहुत मुश्किल, चढ़ना मुश्किल है, तो ये सब लेके आना कितना भारी पड़ता होगा। वाह।
इस व्लॉग में ये दोनों भी मेरे साथ में ही हैं, उन लोगों से मेरी दोस्ती हो चुकी है अब, बराबर दोस्तों। तो बस अब नीचे जाना है, और जाने के बाद मुझे हाथीदरा का जो पॉइंट है गंगेश्वर महादेव, वहाँ पर भी थोड़ा सा फुटेज कवर करना है। तो दोस्तों चलिए फिर डायरेक्ट गंगेश्वर महादेव मिलते हैं। ओके,